वेलकम बैक. ब्रेक से वापस आ गए हैं तो और भी लोगों से बातें करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. नाम? हिना अब्बास. क्या करती हैं? हाउसवाइफ. चलिए जी, सवाल करते हैं. मुझे बताएं, बिल्डिंग में वो कौन सी जगह है जो मर्द बनाते हैं मगर कभी इस्तेमाल नहीं करते? कौन सी जगह है जो मर्द बनाते हैं कभी इस्तेमाल नहीं करते? मतलब बिल्कुल ही नहीं करते. क्या सुनाएं? हाँ, वो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है. आप भी थोड़ा आंसर दे दें. हेल्प कर देती हूँ. हाँ जी. वो अपने लिए भी बनाते हैं लेकिन उसको फिर भी अपने वाले हिस्से को तो इस्तेमाल कर लेते हैं मगर उस हिस्से को भी इस्तेमाल नहीं करते. खुद नहीं करते. हाँ, चलिए बड़ी रेसिपी बताएंगी. चावल बनाना बताऊंगी जो चाइनीज़ है और तकरीबन 20 से 15 मिनट में तैयार हो जाते हैं, हर चीज़ रेडी हो तो. और आप 2 कप चावल बनाना चाहते हैं या आधा किलो चावल बनाना चाहते हैं या 1 किलो चावल बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आपने ना पानी ले लेना है उसी मिकदार से, कि चावल कच्चे भी ना रहें और ना इतने गल जाएं कि खाए भी ना जाएं. ठीक है, उसकी आपने पानी जो है वो उस हिसाब से आपने चूल्हे के ऊपर रख लेना है. उसमें हसबे ज़रूरत आपने नमक डाल लेना है. ठीक है, और उसके बाद उसको यखनी को नीचे उतार लेना आपने, यखनी निकाल के. ठीक है, उसके बाद आपने 1.5 से 2 कप जो है ना ऑयल आपने लेना है. उसमें आपने जो है 3 से 4 गठियाँ जो हैं पुदीने की, वो आपने जो है ना हल्के से आपने जो है ना उनको ब्राउन करना है, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना. हरी मिर्चें डालनी है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है. इस तरह उनको अच्छी तरह भून लेना. जब भूनने के बाद अच्छा सा कलर आ जाए, उनका मेहंदी मेहंदी कलर निकल आए, फिर आपने जो यखनी होगी वही उसमें आपने डाल लेनी है. ठीक है, हरी मिर्चें ये सारा कुछ बना के उसके में फिर बाद में आपने चावल डाल लेने हैं. उसी में चावल डाल के दम पे लगा लेने हैं और दम पे लगाने के बाद गार्निशिंग के लिए आपने जो है ट्रे में हर चीज़ निकाल लेनी है, चावल वगैरह निकाल लेने हैं. खीरे की गार्निशिंग करें या टमाटर की करें या हरी मिर्चों की करें, धनिया की करें, या पे डिपेंड करता है आपको किस तरह की अच्छी लगती है. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. शादी वाले चावल है ना? सिंपल, वेरी नाइस. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए. थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी. इन्होंने एक डिफरेंट चावलों की रेसिपी बताई, विदाउट चिकन, विदाउट मटर आलू, एक सादा चावल बनाने की. उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, ट्राई करिएगा. किसी और से बात करें. वालेकुम. आपका नाम? आमिर रजा. क्या करते हैं आप? मेरा अपना कारोबार है. किस चीज़ का? फार्म हाउस भी है, गाड़ियों का भी काम है. नहीं, फार्म हाउस का क्या बिजनेस हुआ? ये चिकन का पोल्ट्री फार्म. ओके ओके, पोल्ट्री फार्म है. चलिए जी, पूरा जंडियाला शेर. हाँ चलिए जी, ठीक है. अच्छा मुझे बताएं, ब्रायलर का है? ब्रायलर मुर्गियाँ होती हैं वहाँ पर, पोल्ट्री फार्म है ना? हाँ जी, हाँ जी. ब्रायलर होती है कि देसी होती है? ब्रायलर होती है. ब्रायलर. अच्छा मुझे बताएं, आज कल ब्रायलर का टेस्ट इतना अजीब क्यों होता है? ऐसे टूटना शुरू कर देती है पानी में, आप उसको वॉश भी करो ऐसे फटी फटी फटी. वो जो बीमार है ना चिकन, वो शॉप वाले वो सेल कर रहे हैं. नहीं नहीं, बड़े से बड़े ब्रांड की बात कर रहे हैं. आपको पता है कुछ ब्रांड है जो चिकन देते हैं बड़ा अच्छा देते हैं, महंगे से महंगा देते हैं, लेकिन चिकन की शक्ल बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब आप उसको आपको खाने का दिल नहीं करता, मतलब ऐसे वो फटा फटा सा. असल में सिस्टर लोगों की बातें बनाई हुई हैं, ऐसी कोई बात नहीं. मैं अपना पर्सनल आपको बता दूँ, मैं तो उसके अलावा ब्रायलर खाना मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैंने कहा शायद आपका बिजनेस है तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्या आपको लगता है? नहीं कुछ भी नहीं है, फीड में मसला हो सकता है, क्योंकि जो हम तो करते हैं ना उनकी फीड अच्छी है. क्या फीड देते हैं आप? मैं ये वगैरह जो होती हैं चर्बी वगैरह, ओजरी वगैरह, इस तरह की चीज़ें सारी. चले जी, चले सवाल करती हूँ. ठीक है जी, मुझे बताएं कि एक आदमी 8 दिन से नहीं सोया फिर भी वो जिंदा है, कैसे? कि एक दिन ना सोए तो बंदे की हालत बुरी होती. सॉरी नहीं पता. क्या सुनाएंगे? मैं शेर सुनाऊंगा. तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, अब किसको क्या मिला ये तो मुकद्दर की बात है. हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, डूबी थी मेरी कश्ती वहाँ जहाँ पानी कम था. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए. थैंक यू. वेरी नाइस जी. उन्होंने बात शेयर की मगर मैं इसे बिल्कुल एग्री नहीं करती. आजकल की मुर्गियां जो हैं वो ठीक नहीं है. मैंने चिकन खाना छोड़ दिया है. मैं चिकन को देखूं तो मुझे करंट सा लगना शुरू हो जाता है. हाँ, अगर कि वो दूसरा वाला ना हो, ब्रायलर मैं नहीं खा सकती. दूसरा चिकन तो मैं खाती हूँ लेकिन ब्रायलर मैं नहीं खा सकती. वो अजीब सा फटा फटा सा होना शुरू होता है, चाहे वो कितने महंगे ब्रांड का क्यों ना हो. वो एकदम जाते गलना शुरू हो जाता है, बड़े अगली सा हो गया. आई डोंट नो व्हाई, क्या मुर्गियों के साथ ये लोग कर रहे हैं. आप भी कोशिश क्या करें कि ऑर्गेनिक चीज़ें खाएं, सब्जियां खाएं, दालें खाएं, और अगर आपने गोश्त खाना ही है तो आप
دوسرا والا کھا لیں اور وہ لوگ جو نہیں افورڈ کرتے وہ انڈے کھا لیں, مگر ایسی خراب چیزوں سے وہ آپ اوائڈ کریں. اس سے اور سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام آپ کا؟ مہک. کیا کرتے ہو؟ جاب کر رہی ہوں. کیا؟ میں آفس جاب. اوکے ٹھیک ہو گیا. ٹیکسٹائل میں کام کر رہی ہیں. چلیے سوال کریں آپ. ہاں جی, مجھے بتائیں بلڈنگ میں ایسی کون سی جگہ ہے جو مرد بڑے اچھے طریقے سے بناتے ہیں مگر کبھی استعمال نہیں کرتے؟ نہیں پتا. کیا سناؤں گی؟ سانگ, نیشنل سانگ. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں, بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کارواں, دل دل پاکستان جان جان پاکستان, دل دل پاکستان جان جان پاکستان. نہیں نہیں یہ پھر اچھا لگا. لاہور نیوز کی 10 سے آپ کے لیے گئے. ویلکم. جی ان کو جو سوال کا جواب نہیں آیا, بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے یہ, آپ اس پہ ضرور غور کیجئے, بڑا مزے کا سوال ہے. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کے ساتھ بہت مزہ آیا, بہت انجوائے کیا, بڑا اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے اتنا پیار بانٹ کے. چلیں آپ کے دو سوالوں کے جواب بتاتی ہوں. بلڈنگ میں وہ کون سی جگہ ہے جو مرد بناتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے بناتے ہیں, کب استعمال نہیں کرتے؟ غور کیا کریں سوال پہ. جب سوال کر رہی ہوتی ہوں تو آپ سوال پہ غور نہیں کرتے, اس سے آپ کو جواب نہیں آتا. تو وہ جگہ ہے لیڈیز واش روم, کیونکہ جینٹس جو ہیں وہ صرف جینٹس واش روم ہی استعمال کر سکتے ہیں. لیڈیز واش روم وہ بناتے ہیں مگر استعمال نہیں کرتے. دوسرا سوال, ایک آدمی جو ہے وہ 8 دن سے نہیں سویا مگر پھر بھی زندہ ہے, اس کو نیند بھی نہیں آ رہی, کیوں؟ پھر کہوں گی سوال پہ غور کیا کرے, وہ 8 دن سے نہیں سویا. رات کا تو سویا ہے نا, ٹھیک ہے, دنوں میں نہیں سویا. تو یہ تھا اس کا جواب. اور آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. اپنا, میرا, ہم سب کا فیوریٹ پروگرام بوجھو تو جیتو, جو میرا جمعہ, ہفتہ اتوار, تھرسڈے ٹو سنڈے شام کو 7 بجے دیکھنا ہے, جو اگلی صبح 5 بجے, اگلی صبح 11 بجے رپیٹ ہوگا, دیکھنا مت بھولیں. مجھے اپنی ہوسٹ علینا ہارون کو اجازت دیں اور ایسے ہی پیار کرتے رہیں. چلیں جی, آج کا ٹیلنٹ آف دا ڈے تو اسپیسیفک مجھے کوئی بھی نہیں لگا, تو میں ہی ہوں گی ٹیلنٹ آف دا ڈے. اللہ حافظ.